डालूंगा मैं सिर्फ। मुन्ना मेरा प्यारा, मम्मी का दुलारा, मोए मोए हो गया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू द न्यू ड्रैग कह सकते हो। तो भाई हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी बैटल जो कि एक होने वाली है क्लासिक बाइक और एक स्पोर्ट नेकेड बाइक में। भाई पहली जो अपनी है बाइक की बात करते हैं तो पहली अपनी है बजाज की पल्सर NS160 2024 एडिशन है। इसी का मैंने एक कलर और डाला है, पिछली वीडियोज आप अगर देखोगे तो वो न्यू कलर था, ये ओल्ड ही कलर पर लेकिन न्यू जनरेशन वाली बाइक है 2024 वाली। उसी के बगल में खड़ी है रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाली हंटर 350 CC और ये भी काफ़ी जो है अच्छी है, टूरर बाइक है। और इसकी बात कर ले तो ये स्पोर्ट नेकेड में आ जाती है। बाकी स्पेक्स वगैरह की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 160 CC के इंजन के साथ में 17 PS की पावर और 14 Nm टॉर्क आपको यहाँ पे देखने मिलने वाला है। 14.6 Nm टॉर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। उसी की दूसरी तरफ बात कर ले तो यहाँ पे आपको 349 CC के इंजन के साथ में 20 PS की पावर और 27 Nm टॉर्क देखने को मिलने वाला है। समझ रहे हो, 27 Nm टॉर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो समझ सकते हो कितना टॉर्क इंजन होने वाला है यहाँ पर। बाकी दोनों अब NS के अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको वही LED हेडलैम्प, बाकी आपको पता ही चल गया होगा अभी तक कि LED आपको देखने को मिलने लगा है, हेडलैम्प जो अपडेट किया गया है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर ले तो पूरा जो है डिजिटल मीटर अब आपको देखने को मिलने वाला है, नेविगेशन वगैरह देखने को मिलेगा। इसका बेस मॉडल जो है 1,54,000 रुपये का है और जो टॉप वेरिएंट इसका है ब्लूटूथ वाला वो है 1,74,000 रुपये का। उसी दूसरी तरफ बात कर ले हंटर की तो हंटर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखा देता हूँ। एक डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर आपको देखने को मिलने वाला है, इसी में सब कुछ आपका है। यहाँ पे आपकी स्पीडो है, यहाँ पे आपका फ्यूल गेज है, यहाँ पे ट्रिप वगैरह है। बाकी किल स्विच वगैरह की बात कर ले तो प्रीमियम है रॉयल इनफील्ड तो भाई जाना जाता है इसके लिए, 1,000 आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। बाकी इसके प्राइस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप ये पड़ेगी आपको लगभग 1,80,000 ऑन रोड लखनऊ में। और दोनों बाइक्स में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलने वाला है, जैसा देख सकते हो यहाँ पे डुअल चैनल ABS की ब्रांडिंग है। बट यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS की ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा। और जैसे दिखा दे प्लेट आपने आगे देख ली और यहाँ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ABS की प्लेट आपको देखने को मिलेगी। और बात कर लेते हैं टायर प्रोफाइल की तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 100 सेक्शन का टायर फ्रंट में और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 110 सेक्शन फ्रंट में देखने को। फ्रंट रियर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 130 सेक्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको 140 सेक्शन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको पूरा साइलेंसर देखने को मिलने वाला है। और आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं एक बार, ये लो, ये है थंडर का कुछ एग्जॉस्ट नोट। और आपको एक बार NS160 का भी सुना देते हैं, तो ये लो, तो ये है अंडरबेली कुछ एग्जॉस्ट। और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है NS160 में, आई थिंक हंटर में देखने को नहीं मिलता है, अगर मेरे नॉलेज में नहीं है, मेरे हिसाब से तो दिख नहीं रहा तो होगा नहीं। बाकी हेडलैम्प आपको यहाँ पे हैलोजन और इंडिकेटर भी हैलोजन बल्ब पे देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको फुल LED देखने को मिलने वाली है। तो चलो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बैटल को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। बाकी यहाँ पर आपको USD फॉक्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पर भाई आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिलने वाले, वो एयर कूल्ड है, ये ऑयल कूल्ड है, जैसा ब्रांडिंग देख सकते हो ऑयल कूल्ड की यहाँ पे है। तो चलो आप इस बैटल को शुरू करते हैं, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। चलो शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, मैं चला रहा हूँ NS160 2024 और अंकित चलाएगा हंटर। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाले हैं। और हंटर लगी हुई है बगल में और इसमें लिमिटर सेकेंड गियर में ही पीछे कर दिया इसने NS160 को। भाई साहब तीसरे गियर में ही रखूंगा, चौथा गियर नहीं डालूंगा जब तक NS आगे नहीं निकलेगी। निकल गई, अब ये लो फोर्थ गियर, बहुत जल्दी हिट हो जा रहा है भाई साहब। हंटर तो भैया चीरते हुए निकल गए यहाँ पर, देखते हैं क्रॉस तो कर लेंगे। और एक चीज और, दोनों में आपको 5 गियर ट्रांसमिशन इंजन देखने को मिलने वाला है। और भैया लोग कह रहे थे मीटर अनलॉक नहीं है, मीटर अनलॉक नहीं है, तो देखो मीटर अनलॉक। अरे भैया हंटर बाबे इसका लिमिटर आ गया भाई 125 पे डाला,
और गौरव को लगा गौरव जीत रहा है, पर गौरव बहुत बड़ी गलती में फोर्थ ही गियर डालूंगा मैं तो, और ये तो आराम से पीछे कर रही है हंटर। भाई साहब क्या भाग रही है हंटर यार, नो वाइब्रेशन, मजा ही आ गई भाई, मजा ही आ गई। आने दो जरा आगे निकले तो थोड़ा, गौरव नहीं निकल पाएगा। 124-125 पर लिमिटर आ रहा है इसका गाइस, 124 पर लिमिटर हिट कर रही है ये बहुत बुरी तरीके से, बहुत गंदा लिमिटर मार रही है भाई। यार वो देख रहा कहाँ चला गया है लेकर, इतना लिमिटर मारोगी तो कैसे काम चलेगा गाइस, यहाँ तो मोए मोए हो गया। 120 बहुत पीछे हो गए। अब मैं फिर से भगाऊंगा अपनी हंटर और फोर्थ गियर के साथ ही भगाऊंगा और आराम से पीछे कर विदाउट स्लिप स्ट्रीमिंग। और ये देखो आराम से पीछे कर दिया मैंने, देख रहे हो आ गया लिमिटर। हंटर भाई चीरते हुए निकलेगी, देखो ये आ रही है भाई हंटर, ये रही हंटर, हंटर ये रही भाई, निकल गया भाई लेके, ये गई भाई साहब, भैया चीरते फाड़ते हुए चली गई। ओ गाइस भैया रॉयल एनफील्ड वालों ने औकात दिखा दी बजाज की, ठीक है कितना गई थी भाई, मैं सिर्फ फोर्थ ही गियर तक भगाया था, फिफ्थ गियर नहीं डाला है और जलील नहीं करना, इतना काफी है। सो गाइस जैसा आपने यहां पे देखा कि फर्स्ट राउंड में एनएस यार इनिशियल में भले निकल जा रही है लेकिन टॉप एंड पे इसका लिमिटर जो आ जा रहा है 124 पे, और जीपीएस पे अगर मैं देखूं तो इसका 115-115 के आसपास जीपीएस पे जाती है, तो एरर इसके अंदर 7-8 का है ही पहले से। बाकी चलो एक बार राइडर स्विच करते हैं, राइडर स्विच करके देखते हैं क्या होता है, तो चलो राइडर स्विच कर लेते हैं। तो चलो भैया आ गए रॉयल एनफील्ड पर रॉयल वाली फीलिंग लेने, तो अब हम चलाते हैं हंटर 350 और अंकित चलाएगा। क्या हुआ है ना, अबे भैया इसमें यार फुटरेस नहीं है तो गियर फंस रहा है, ले लो बेटा मजे, कोई नहीं गरीब का मजाक बना लो, वो देखो बताओ आज जो होगा देखा जाएगा साले को। मुन्ना मेरा प्यारा मम्मी का दुलारा ये रेस करेंगे, ये ले लेते हो साले टक्कर, ये नहीं पता है ये 350 cc है, 27 Nm टॉर्क यहाँ पे देखने को मिलता है, उसमें आपको 14.6 मिलता है भाई, इतना टॉर्क में फर्क है, लेकिन फर्क ये है ये क्लासिक एक बाइक है क्लासिक, और वो आ जाती है नेकेड स्पोर्ट में, तो स्पोर्ट बाइक में भाई टॉर्क का फर्क होता है, जैसा देख सकते हो बगल में ही लगी हुई है चल्लम चल्ला 120, चार गियर लगाए खाली, अच्छा मैंने पांचवा डाला ही नहीं है, अगर मैंने पांचवा डाला तो ये दिखाई नहीं पड़ेगा कहाँ गया, चल छैया 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 चल छैया 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 पावर कट नहीं बंद करूँगा, तुम ऐसे ही हार हो गया तुम्हारे भाई साहब, देख रहे हो क्या कर, देखो अब पांचवा डाल दिया मैंने, तो देख साला सिल्क किल स्विच बंद कर देता है ये, बहुत इजीली भागी जा रही है यार हंटर, बहुत ज़्यादा पावर है इसके मुकाबले, कहाँ इसमें 17 PS पावर, कहाँ उसमें 20 PS पावर, कहाँ इसमें 14 Nm टॉर्क, कहाँ उसमें 27 Nm टॉर्क, कहाँ इसको आप लोग देखते हैं कितना जाती है, 120 कर चुकी है अभी तक भाई साहब, भाग तो अच्छी रही है भाई काबड़ तोड़, छप्पा
चार ही गियर काफी है। मतलब क्या था मेरे, ये नहीं समझ में आया। तो यार थोड़ा सा अगर कम से कम 135 भी जाती तो यार 160 के लिए आप लोग जा सकते थे। बाकी आपकी मर्जी है भाई, देखो हर बंदा टॉप एंड के लिए नहीं लेता है, ये सबको पता है। कोई इतने हाईवे पे रोज रोज नहीं जाता है चलाने। सिटी में कम्फर्ट की बात करें तो NS भाई अच्छी है, रिलायबल है। इसका TVS Raider से कंपैरिजन करा जाए क्या? कर सकते हैं, लग ही रहा है उसी लायक है। 118 वो भी जाती है, 120 तक चली जाती है, 120 तक रेडर जाती है। तो गाइस अगर आप लोग कमेंट करोगे कि इसका कंपैरिजन रेडर 125 से करो तो हम लोग उसका कंपैरिजन करेंगे रेडर 125 से। बाकी फिलहाल के लिए यहाँ हंटर अपनी विन है और बस टॉर्की इंजन आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन इनिशियल में NS125 निकल जा रही है। अगर राइडर अच्छा होगा तो हंटर भी निकल जाएगी। जैसा मैंने लॉन्च बहुत परफेक्ट नहीं किया था, मैंने आराम से किया था, NS को मौका दे रहा था पूरा। बाकी कैसी लगी वीडियो या कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करो इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।